दर्शकों, मैं हूं आपके साथ स्नेहा कुमारी और आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24। हमारे चैनल को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारी चैनल की खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य और अहम खबरों से। झांसी ड्रीमलैंड महोत्सव परिवार की ओर से पुलवामा हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हमारे देश के वीर जवानों ने अपने प्राण त्याग कर देश के लोगों के लिए और देश के लिए जान न्यौछावर कर दी। ऐसे वीर जवानों को महोत्सव में आए लोगों ने भावुक होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। झांसी ड्रीमलैंड महोत्सव परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे। शिव शंकर सिंह, संजय त्रिपाठी, जितेंद्र सिंह, जीतू जाकिर, आनंद त्रिपाठी, कुमार अंकुर दीक्षित आदि शामिल रहे। ये थी ब्रिजेश परिहार की रिपोर्ट। शहीद हुए हैं, उनके भावपूर्ण श्रद्धांजलि के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? आज जिला झांसी में आप सब लोगों को पता है कि यहाँ ड्रीमलैंड मेला लगा हुआ है और इस मेला ग्राउंड के प्रांगण में यहाँ के मेले के मैनेजमेंट के लोग शिव शंकर सिंह जी, आनंद त्रिपाठी जी, इन लोगों ने बड़ा ही सुंदर मैसेज देने के लिए झांसी जनपद वासियों को कि आज से 2 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हमारे देश के वीर जवान जो शहीद हुए थे उनको पुष्पांजलि करके व कैंडल जला करके यहाँ पे एक श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में मैं शुरू से आया हुआ हूँ और देख रहा हूँ हमारे झांसी के भी आम जनमानस जो मेला घूमने के लिए भी आ रहे हैं वो भी देख करके यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, पुष्पांजलि कर रहे हैं और कैंडल जला करके हमारे देश के उन वीर जवानों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। इस काम के लिए मैं मेला प्रशासन की इस टीम को, ड्रीमलैंड मेला महोत्सव के सभी इनके आयोजकों को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने आज ऐसा काम किया है। आज वैसे कहने के लिए 14 फरवरी कुछ लोग उसको जो है कहते हैं कि वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं, लेकिन आज इस ड्रीमलैंड मेला के लोगों ने आज उन देश के सच्चे सपूतों को याद किया, ये भी बधाई के पात्र हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वीरांगना भूमि झांसी जो वीरों की रही है, इस वीर भूमि में झांसी में हमारे ड्रीमलैंड झांसी महोत्सव परिवार की ओर से हमने 14 फरवरी का वो ऐतिहासिक दिन जब हमारे वीर जवानों ने अपने प्राण त्याग करके पुलवामा हमले में हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए जो अपने को शहीद किया था, आज उसका हमने उस दिन को याद किया है और उनको भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित किया, उनको श्रद्धांजलि दी है। हम अपने जीवन में इस दिन को कभी भूल नहीं पाएंगे जब हमारे देश के वीर जवान देश के लिए शहीद हुए थे। आज हम उनको सत सत नमन करते हैं। जो कुछ लोग वैलेंटाइन डे के रूप में आज का दिन मनाते हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, वैलेंटाइन डे नौजवानों का बनाया हुआ आज और कल का एक नया प्रचलन था। वैलेंटाइन डे को तो हम लोग इसको किसी प्रकार से नहीं समझते हैं। आज हम इस दिन को 14 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं और हमेशा मनाएंगे इसको।